अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। एजुकेशन के हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊँगा कि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे के हवाले से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतलब यह कि सरकारी मुलाजमीन को 25% जो अलाउंस था वो देने का फैसला कर लिया है हुकूमत ने। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप लोगों के साथ इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी शेयर करूंगा। सबसे पहले आप लोग ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 25 मार्च 2021 को इशू किया गया है। ये नोटिफिकेशन केपी के हुकूमत की तरफ से इशू किया गया है अपने मुलाजमीन की 25% तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। मतलब केपी के हुकूमत की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे के हवाले से। आप लोगों के साथ अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं। केपी की हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे के हवाले से। आप लोग यहां पर इस नोटिफिकेशन को ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एजुकेशन से मुतालिक जितना भी अपडेट होती है उनकी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ, और साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।